हाय गाइस, दिस इज मधुर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक विद मधुर। आज हम देखेंगे कि पावर पॉइंट या कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोडक्ट को एक्टिव कैसे करें। मैं पहले आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को एक्टिव करने के लिए हम एक प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है और वो प्रोडक्ट की हमको कहीं से परचेस करनी पड़ती है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट की नहीं है तब हम उसे एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे और कुछ दिन ट्रायल वर्जन ख़त्म होने के बाद हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे प्रोडक्ट बंद हो जाते हैं। तो इसको एक्टिवेट कैसे करें बिना प्रोडक्ट की के, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं एक्टिव करता, उसको अदर ऑर्गेनाइजेशन भी एक्टिव करते हैं। तो अदर ऑर्गेनाइजेशन उसको कैसे एक्टिव करें मैं आज आपको बता देने वाला हूँ। सबसे पहले आप जाके नीचे रेड कलर का बटन सब्सक्राइब कर लेना और बाजू में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिसके मदद से आपको मिल पाए हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और हाँ, अगर आपको वीडियो में दिखाई गई प्रोसेस समझ नहीं आ रही है तो हमने आपके लिए एक ब्लॉग भी क्रिएट करके रखा है, आप नीचे जाके देख सकते हो। पर आपको सबसे मस्त है वीडियो देखना, अगर वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझेगा नहीं कैसे करना है, तो सबसे पहले वीडियो देख लो। तो बिना समय गवाए लेट गेट स्टार्टेड। हाँ तो गाइस, सबसे पहले आपको मेरा पावर पॉइंट दिखा देता हूँ क्योंकि मेरा एक्टिव है या नहीं। तो देखो, पावर पॉइंट, फाइल, अकाउंट, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा पावर पॉइंट एक्टिवेशन रिक्वायर्ड बोल रहा है, मतलब मेरा कुछ भी एक्टिवेटेड नहीं है, ना वर्ड ना एक्सेल। तो इसको कैसे एक्टिवेट करना मैं आपको भी बताता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में चार लिंक मिलेंगे, जिसमें से आपका जो वर्जन का पावर पॉइंट है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसका डाउनलोड कर लीजिए। लिंक पर क्लिक करने पर आपको स्किप ऐड का ऑप्शन दिखेगा राइट कॉर्नर पे, उस पर क्लिक कीजिए और अलाउ कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आप मीडिया फायर के पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस देखो, अभी मैंने मेरा पावर पॉइंट 2019 का है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एमएस ऑफिस 2019 ट्विटर मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो गाइस, इसको एक्सट्रैक्ट करने से पहले हमको एक चीज़ ध्यान में रख लेना है, वो मस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे हमारे वर्क में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो चीज़ है हमारे सिक्योरिटी हमको डिसेबल करनी पड़ेगी। वो डिसेबल कैसे करें मैं भी आपको बताता हूँ। फिर विंडोज़ का आइकॉन दिख रहा है, इस पर राइट क्लिक कीजिए, सेटिंग्स, थोड़ा टाइम दे रहा है, सेटिंग्स पे आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी भी जाके आपको यहाँ पे दिखेगा विंडोज सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। जैसे कि आप विंडोज सिक्योरिटी पे क्लिक करते हो आपके पास एक दूसरा पेज ओपन होगा, यहाँ पे ओपन विंडोज सिक्योरिटी पे क्लिक कीजिए, एक दूसरा पेज ओपन हो रहा है। वापस वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे क्लिक कीजिए, मैनेज सेटिंग पे क्लिक कीजिए और देखो मैंने सब ऑफ कर लिया। आप सभी को ऐसे ऑफ कर लेना जिससे कि हमारे सिक्योरिटी डिसेबल हो जाएगी। तो अभी मैं कट कर लेता हूँ। तो गाइस अभी इसको हम एक्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास 7GB है या कोई विनरार है या कोई भी अदर एप्लीकेशन है जीप फाइल ओपन करने का, तो आप उससे कर सकते हो। पर अभी मैं विनरार यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इसको एक्स्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको विनरार चाहिए होगा तो विनरार के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। देखो, एक्स्ट्रैक्ट टू एमएस ऑफिस 2019 एक्टिवेटर पर क्लिक करता हूँ। तो गाइस देखिए, अभी ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। इसको मैं सिंपली डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको एक एमएस ऑफिस एक्टिवेटर नाम की और एक फाइल दिख रही होगी। ये फाइल नहीं, ये कमांड प्रॉम्प्ट की फाइल है जिसको मैंने सिंपली आपके लिए डायरेक्ट रेडी करके दिया है। तो आपको कुछ भी मत करना है, सिंपली इस पर डबल क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कोई भी कोड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये देखो, ये मेलाशियस फाइल बोल रहा है,
कोई इसको ध्यान मत दो, मोर इन्फो पर क्लिक कीजिए, रन एनीवे पे क्लिक कीजिए। एक ऑटोमेटिकली रनिंग हो रहा है एक्टिवेटिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस थोड़ा 5-10 मिनट का टाइम लगता है, ये आपके कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड है कि कितना जल्दी हो रहा है या कितना जल्दी नहीं हो रहा है। मैं टाइम बचाने के लिए थोड़ा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, इसलिए मेरे टाइम से उसको मैच मत कीजिए गाइज। अभी मैंने यहाँ पे आपको जो मेथड बताई है इससे आपका वर्क 100% हो जाएगा, ये बहुत ही ट्रस्टेड मेथड है। यहाँ पे एक्टिवेशन सक्सेसफुली हो गया है तो आप देख सकते हो हमारा एक्टिवेट हो गया है प्रोडक्ट। अभी मैं इसको कट करता हूँ, इसको भी कट करता हूँ, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोडक्ट इज एक्टिवेटेड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 19। अभी मेरा है एक्टिवेट हो गया है, मैंने खुद ने इस प्रोसेस 13 टाइम्स रन किया है तब जाके मेरा अभी पावर पॉइंट एक्टिव हो गया है। अगर आपको भी एक्टिवेट करना है तो आप भी एक या दो पिक मत रहना, ज़्यादा बार एक्टिवेट करते रहना जिसकी वजह से आपका जल्दी एक्टिवेट हो जाए। और ये मेथड 100% वर्क करती है, आपको मैंने लाइव प्रूफ दिखाया और आपको वर्क को बताया कि मैं बिना प्रूफ पे काम नहीं करता। तो होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी, तो कीप सपोर्टिंग अस एंड एक लाइक कर देना और नीचे सब्सक्राइब भी कर देना गाइज। अगर आपको ये मेथड नहीं समझी तो हमें नीचे आपको दो लिंक मिलेगी जहाँ पे हमारा हाउ टू डिसेबल सिक्योरिटी और हाउ टू एक्टिवेट विंडोज 10, वहाँ जाके आप इसको एक्टिवेट कर लेना, वो हमारा ब्लॉग की लिंक है। अगर आपको वीडियो नहीं समझ आया तो वहाँ जाके आप देख सकते हो।